एकीकडे देशभरात आणि सीमेपलीकडे पाकिस्तानमध्ये अनुच्छेद 370 हटवल्यामुळे उलट चुलट चर्चा सुरू आहे, तर केंद्रशासित प्रदेश झालेल्या जम्मू काश्मीरमध्ये स्वातंत्र्य दिनाची तयारी सुरू आहे. 15 ऑगस्टच्या संचलनाविषयी हा रिपोर्ट आपण पाहणार आहोत. जम्मू काश्मीरला आता स्वतंत्र ध्वज राहिलेला नाही, शिवाय राज्यातील सर्वोच्च पदाला वजीर आजमचा दर्जाही नाही. जम्मू काश्मीर आता भारतातील एक केंद्रशासित प्रदेश आहे. जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून पहिलाच स्वतंत्र दिन साजरा करतोय. 15 ऑगस्टची जोरदार तयारी श्रीनगर आणि राजौरीमध्ये पाहण्यास मिळाली. सैन्य संचालनाची रंगीत तालीम मंगळवारी घेण्यात आली, यामध्ये लोककलाकारांनी सहभाग घेतला. आहेत श्रीनगरच्या शेरे काश्मीर ह्या मैदानावरची. डोगरी, काश्मीरी, लडाखी ह्या लोककलाकारांनी आज 15 ऑगस्टच्या संचलनाची तालीम केली. यावेळी त्यांनी स्थानिक स्थितीविषयी देखील मत मांडलंय. अभिषेक केरनी, मैं जम्मू से हम और हम J&K कल्चर अकेडमी की तरफ से आए यहाँ पे और हम यहाँ पे जम्मू, लद्दाखी और कश्मीरी ये डांस परफॉर्म करने वाले हैं इस तीनों कल्चर के ऊपर. सर, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि हमारी अकेडमी को J&K ने मौका दिया कि इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हमें परफॉर्म करने का मौका दिया. हम बहुत ही थैंकफुल हैं इन J&K गवर्नमेंट के. हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पे माहौल की कुछ ऐसी पाबंदी है. हाँ, कर्फ्यू लगा हुआ है, मतलब लोगों को भी समस्या हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, फ़ोन बंद हो गया, कॉलिंग नहीं हो पा रही है, दो दिन से हमारी भी बात नहीं हुआ. हाँ, उस चीज़ से वो लोग भी परेशान हैं, उनकी भी दिक्कतें हैं थोड़ी सी इस बात पर. तो बस ये तो हम आज महीने से रिहर्सल कर रहे हैं इस चीज़ के कि हमें यहाँ जाके परफॉर्मेंस देनी है, हमारे लिए बेस्ट होना चाहिए. डोगरी भी है, कश्मीरी भी है, पंजाबी, लद्दाखी, सब हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन करेंगे इसकी. ये तो सबसे अच्छा लग रहा है कि बेस्ट है कि कश्मीरी, पंजाबी, लद्दाखी हम सब मिलके ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है. जो इस तरह की हालात है यहाँ पर, काफ़ी सन्नाटा छाया है, कोई भी लोग बाहर नहीं जा सकते, चेकिंग हो रही है, इस तरह का माहौल मैंने यहाँ पे पहली बार देखा हुआ है. जी हाँ, वो एक्चुअली हम इंडिया में रहते हैं तो पूरे जोश और पूरा जज्बा है कि हम यहाँ पे आके परफॉर्म करें. एक्चुअली यूटी बनने के बाद ही हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस है, तो हम काफ़ी खुश हैं कि यहाँ पे आने का हमें चांस मिला और हम यहाँ पे पूरी भारत हमें देख रहा होगा अभी, तो उनका भी होगा कि हम अगर वो तो अभी नहीं आ सकते, पर हम काफ़ी खुश हैं कि हमें ये चांस मिला यहाँ आने का. जी, मैं डोगरी जो कल्चर है वो यहाँ पे उसका डांस करने के लिए हम यहाँ पे आए हूँ. कश्मीरी भी है यहाँ पर और लद्दाखी भी है यहाँ पर. जी, और इसी सिलसिले में आज फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ की गई, जिसमें मुख्तलिफ कंटिजेंट जो पुलिस, आर्म्ड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और दूसरे कंटिजेंट जो थे, उनने पार्टिसिपेट किया. ये जो हमारी मेन तकरीब है जो 15 अगस्त को होगी, उसको रिव्यू करने के लिए रखा गया था, ताकि जो भी उसमें चेंजेस करनी है, तब्दीलियां करनी है या जो कोई इम्प्रूवमेंट करनी है वो की जा सके. या कलाकारांच्या बोलण्यातून जम्मू काश्मीर मधील वर्तमान स्थिती लक्षात येते. काही ठिकाणी भीती आहे, मात्र 15 ऑगस्टचा उत्साह देखील काश्मीरच्या कलाकारांमध्ये दिसून येतोय. जम्मू काश्मीर मधील एकूणच स्थिती सर्वसामान्य होण्याच्या दिशेनं हे चांगले संकेत आहेत. स्थिती पूर्वपदावर येण्याकडे देशातील नागरिकांचेही डोळे लागलेत. ब्युरो रिपोर्ट, AM न्यूज. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करा. सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तसंच डाउनलोड करा आमचं ॲप आणि भेट द्या आमच्या वेबसाईटला www.amnews.live.